हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें अभी हम पहले बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं शॉर्ट में BGA, ये ग्राम नेगेटिव और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और फोटोऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में ये ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया होगा अर्थ पर, जो कि 3 बिलियन ईयर्स बैक, जिससे कि ऑक्सीजनिक जो है इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा अर्थ पर, प्रियर अर्थ पर। देन अगर हम इनकी बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, और ग्राम नेगेटिव होने के साथ साथ ये जो हैं कॉम्पैक्टेड न्यूक्लियर बॉडी रखते हैं, जो कि न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये तो बैक्टीरिया की क्वालिटी है। और ये प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज की कवरिंग रखते हैं अपने सराउंडिंग में, और इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया में कई तरीके के अडेप्टेशंस की बात है, अगर हम बात करें अकरेंस इनका कहाँ है, ये फ्रेश वाटर में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये कई सारे मल्टीपल ग्रुप्स के साथ में एसोसिएट भी होते हैं, जैसे एनाबीएना एजोली, ये एजोला फर्न के साथ में एसोसिएट होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। रेड सी की अगर हम बात करें तो रेड सी का जो रेड कलर है उसमें एक अबंडेंट साइनोबैक्टीरियम होता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये जो है ये रेड कलर पिगमेंट रिलीज करता है जिसके कारण रेड सी का कलरेशन होता है। और अगर हम बात करें एनाबीएना साइकेडी जो है ये साइकेडी एसोसिएट होता है कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस के साथ में, तो ये साइकस के रूट के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। देन और भी कई तरीके से ये कुछ प्रोटोजोअन्स के साथ में भी एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए हम इसको एंडोजूकली भी बोलते हैं, जो कहलाते हैं साइनली। सो अगर हम बात करें इनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वेजिटेटिव सेल्स हैं, और वेजिटेटिव सेल और साथ में स्पेशलाइज सेल होती है, दैट सेल इज कॉल्ड हेटरोसिस्ट। आउटसाइड शीथ की कवरिंग है जो कि म्यूसिलेजिनस शीथ है। और ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये इनमें एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला होता है पूरी लाइफ साइकिल में, सो जो कि म्यूसिलेज शीथ इनको प्रोटेक्ट करती है एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए। देन हेटरोसिस्ट जो है ये स्पेशलाइज सेल होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो। देन साइनोबैक्टीरिया के पास बहुत सारे पिगमेंट्स की प्रेजेंस है जो कि फोटोसिंथेसिस के साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने में मदद करते हैं। स्पेशल पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, कैरेटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन, फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर देता है इनके लिए, फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। देन अगर हम बात करें तो इनमें फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं थाइलेकोइड के में, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो रिजर्व फूड है, इन सेल्स के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो साइनोफाइसिन स्टार्च, या हम इसको मिक्सोफाइसिन स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च के फॉर्म में है। वोलेटिन बॉडी जो कि फॉस्फेट बॉडी कहलाती है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन बॉडी हैं, पॉलीहेड्रल बॉडी है जो कि रुबिस्को रिच होती है, और बीटा ग्रेन्यूल्स जो कि फैट रिच फूड अपने में स्टोर करते हैं। इनमें एक बड़ा स्पेशल फिनोमिनन है गैडिस्कोप फिनोमिनन, जो कि गैडिस्कोप जो फिनोमिनन है इसमें जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ में। ये इनमें एक एडेप्टेशन क्वालिटी है जिसमें ये कलर चेंज कर सकते हैं। देन इनकी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में PS1 और PS2 फंक्शनल होता है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, और मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं।
देन अगर हम बात करें जो हेटरोसिस्ट की जो सेल होती है, इनमें PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है, ये केवल और केवल ATP जनरेट करने में मदद करता है। यहाँ हेटरोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए, जो कि हेटरोसिस्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड कंडीशन यहाँ पर बनाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सके। इसलिए ये PS1 लैक होती है हेटरोसिस्ट, जबकि नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में दोनों फोटोसिस्टम्स होते हैं। देन इनमें अगर हम बात करें तो बाकी सारे जो भी बैक्टीरियल सेल में कंपोनेंट होते हैं ये इनमें अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं और बाकी सारे सेल ऑर्गेनलीज की लैकनेस होती है, और रेप्लिकेशन जो है वो DNA के थ्रू परफॉर्म होता है, और सेल मेम्ब्रेन में जो है स्टेरॉल्स की लैकनेस होती है। और अगर हम बात करें तो इनमें कई सारे जो है म्यूसिलेजिनस जो शीथ है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। और इनमें अगर हम बात करें तो जो है इनके जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म दोनों तरीके से हमने जैसे अभी बात भी किया है, मेटाबॉलिज्म जो है ये सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये CO2 को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फूड में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो ये इन क्वालिटी होती है, और हेटरोसिस्ट की मदद से ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म भी ये है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन से होता है, तो ये माइटोटिक डिवीजन होता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर अलग होगा तो ये पूरा का पूरा नया फिलामेंट बना सकते हैं। हेटरोसिस्ट जो है स्पेशल कंडीशन में ये जर्मिनेट होती हैं और नया फिलामेंट बना सकते हैं। इनमें एकाइनिड्स होती हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये हार्ड स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं, जिससे कि ये जो थिकनिंग ऑफ वॉल कर लेती हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो एकाइनिड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अगर हम इनके यूजेस की बात करें, जो साइनो बैक्टीरिया हैं ये ऑक्सीजन का एवोल्यूशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल की जो है रिचनेस लाते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की रिचनेस ला सकते हैं, इनको सिंगल सेल प्रोटीन के जैसे यूज किया जा सकता है एज अ फूड, और लिंगवा जो है वो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरिया है, और जो एल्गल ब्लूम ला सकते हैं ये किसी वाटर बॉडीज को जो है एल्गल ब्लूम ला सकते हैं, जो कि जो मेन एल्गल ब्लूम कॉजिंग जो साइनोबैक्टीरिया है वो है माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ नीट के लिए, कौन सा एल्गल ब्लूम किसके थ्रू फॉर्म होता है, किस साइनोबैक्टीरिया के थ्रू। देन तो दिस इज अबाउट साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो यहाँ ग्रुप की जो हमें बात करनी है वो है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा जो है ये नोकार्ड एंड रॉक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स में, जो कि प्लूरोनिमोनिया डिसीज से सफर कर रहे थे वो कैटल, उससे इसको आइसोलेट किया था। इनका जो शेप है प्लियोमॉर्फिक शेप के कारण इनको हम PPLO भी नाम देते हैं। इनकी कॉलोनी जो है कुछ स्पेशलाइज्ड होती है, और इनकी जो क्लास है दैट इज कॉल्ड मोलिक्यूटा। और अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें माइकोप्लाज्मा में, तो इनमें ट्राइलेमिनर यूनिट मेम्ब्रेन होती है, और इनके राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का होता है, और इनमें सेल वॉल की लैकनेस होती है, ये सेल वॉल लैक बैक्टीरिया है, और इनका कोई शेप नहीं है, इसी वजह से ये बैक्टीरियल फिल्टर से क्रॉस हो सकते हैं, ये पास हो सकते हैं। बेसिकली इनका नेचर हेटरोट्रॉप्स है, बट बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक हैं जो कि एनिमल प्लांट सभी में डिसीज कॉज करते हैं, बट मेन जो डिसीज कॉजिंग है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये डिसीज कॉजिंग है। देन अगर हम बात करें तो जब इनमें सेल वॉल की लैकनेस है तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से के लिए इनसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये सेल वॉल को अफेक्ट करने वाली एंटीबायोटिक है, तो इसलिए इनके ऊपर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट इनकी सेंसिटिविटी है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को लेके और इरिथ्रोमाइसिन को लेके, तो ये दोनों एंटीबायोटिक इनको इनहिबिट कर सकती हैं।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर डीएनए के साथ यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर में एलिमेंट्री बॉडी जो है, ये एलिमेंट्री बॉडी ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। देन स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है डीएनए, इसमें लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, आरएनए है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस है, राइबोसोम 70S टाइप्स के होते हैं। डिसीजेस की बात करें, अगर प्लांट डिसीजेस और एनिमल डिसीजेस ये कॉज करते हैं, माइकोप्लाज्मा जो है कई तरीके के इंसेक्ट इनको ट्रेवल कराते हैं प्लांट, जैसे कि लीफ हॉपर, माइट्स, फ्लाइज इनको ट्रेवल कराते हैं और ये प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि एस्टर येलो, ब्रिंजल लिटिल लीफ, बंची टॉप पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया और सैंडल स्पाइक, तो ये कई सारी प्लांट में डिसीजेस कॉज करते हैं। जबकि एनिमल में अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। देन कैटल्स में अगर बात करें तो ये प्लूरोनिमोनिया डिसीज कॉज कर सकते हैं और ये जेनाइटल ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा का अपना एक बहुत सारा क्रूशल रोल है। देन अगर हम बात करें अगले जो ग्रुप की बात करें, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, ये प्री हिस्टोरिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कहलाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये अर्थ पर बहुत पहले इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी बेसिकली तीन कैटेगरी है क्योंकि ये बहुत हार्श हैबिटाट्स में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कि सॉल्ट में ग्रोथ करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। कुछ जो है आर्की बैक्टीरिया वो हॉट स्प्रिंग्स में ग्रोथ करते हैं, ये मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं बड़ा फेवरेबली। तो इन तरीके के बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर एज वेल एज एसिड कंडीशन में ग्रोथ करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। कुछ जो है मार्श में ग्रोथ करते हैं, मार्शी एरिया में, मडी एरिया में ग्रोथ करते हैं, वो कहलाते हैं मिथेनोजेंस, क्योंकि ये मीथेन जनरेट करने वाले बैक्टीरिया भी हैं। इनकी सेल वॉल की बात करें तो ये यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, जो कि बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, जबकि हमने बात किया था यू बैक्टीरिया में ये बनी होती है म्यूरिन से, यहाँ है स्यूडोम्यूरिन। इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन में अगर जाने तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन। देन अगर स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन की कंपोजिशन की बात किया जाए तो एन एसिटिल ग्लूकोज अमीन जो है वो कॉमन है, जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी था, बट दूसरी अमीनो शुगर जो है वो बदल चुकी है। ये अमीनो शुगर होती है एन एसिटिल टेलोसा अमीन न्यूरोनिक एसिड। ये दोनों शुगर, दोनों अमीनो शुगर मिलके बीटा 1,4 लिंकेज से कनेक्ट होती हैं और पेप्टिडोग्लाइकेन को बनाती हैं। देन इनमें भी कुछ स्पेशलाइज अमीनो एसिड्स होते हैं और इनमें डी अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस होती है। देन अगर हम बात करें इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या क्वालिटी है, तो सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की प्रेजेंस होती है, इनमें टेट्राइथर जो है उसकी प्रेजेंस होती है जो लिपिड के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो इनकी बड़ी स्पेशल क्वालिटी है इन आर्की बैक्टीरिया में। इनकी जो तीनों की तीनों जो कैटेगरी हैं, तीनों जो आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मिथेनोजेंस में। तो मिथेनोजेंस जो है वो एक ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, ये ऑब्लिगेट एनारोब्स की कैटेगरी में आते हैं और ये मार्शी हैबिटाट में ग्रोथ करते हैं। ये CO2, मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस से मिला के ये तीनों को यूज करके मीथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन हम ये जानते हैं कि मीथेन जो है इसका एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन आज के समय में यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड गोबर गैस प्लांट में हम इसका यूज़ करते हैं, इससे हम मीथेन जनरेशन में हेल्प करते हैं और इसमें ये मिथेनोजेंस हेल्पफुल होते हैं। ये र्यूमिनेंट्स की जो है इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, ये उनके र्यूमेंस में प्रेजेंट होते हैं जो कैटल्स हैं, बफेलो हैं, काऊ हैं। देन अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोमोनास और मिथेनोस्पाइरिलम। तो ये कई सारे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं। मिथेनोसार्सिना दूसरी कैटेगरी है, हेलोफाइल्स ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया हैं, ये एयरोबिक कीमोहेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, ये कोकाइड फॉर्म होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं
और ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रोथ करते हैं, जैसे सी में, सॉल्ट लेक्स में, मार्शेस में, सॉल्टेड फील्ड्स में ये वहाँ पर ग्रोथ करते हैं। इन बैक्टीरिया में एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये 25-30% NaCl कंसंट्रेशन में बड़े आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं, और इनकी सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड बैक्टीरियोरोडॉप्सिन। उस बैक्टीरियोरोडॉप्सिन की मदद से ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और ATP का सिंथेसिस कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी। देन अगर हम हेलोफाइल्स की बात करें तो हेलोफाइल्स जो हैं ये हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं अपनी सेल के अंदर, और अगर इन से बैक्टीरियल सेल के लिए 10% से बिलो कंसंट्रेशन NaCl की मिलती है तो इनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। देन अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है हेलोकोकस, हेलो बैक्टीरियम। तीसरी जो इनका जो मेन मेंबर है दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स, नाम से ही रिप्रेजेंटेड है। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट करेंगे, हाई एसिडिटी टॉलरेट कर सकते हैं, ये ऑफन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं, और इनके लिए जो टेम्परेचर सुटेबल होता है वो मोर देन 80 डिग्री, इनकी सुटेबिलिटी जो है वो फेवर होती है, और लो pH पर भी ग्रोथ करते हैं, लो टू pH पर भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। और इनमें एक और क्वालिटी है, ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, इसी वजह से यहाँ पर एसिड जनरेट होता है, तो इसको ये एसिड को टॉलरेट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जांपल की तो वो है थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, थर्मोकोकस। देन सो इस तरीके से अगर जो पूरे के पूरे जो आर्किबैक्टीरिया हैं, इन पूरे के पूरे आर्किबैक्टीरिया में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इनकी, ये आपको याद रखना है। और इनमें जो प्रेजेंट एंजाइम होते हैं अगर हम बात करें थर्मो एसिडोफाइल्स में, तो इसी के एक स्पेशल एंजाइम जिसका कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ होता है PCR में, वो PCR में यूज़ होता है थर्मस एक्वेटिकस का एंजाइम DNA पॉलीमरेज, तो ये इसी आर्किबैक्टीरिया से ही ऑप्टेन होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से। देन सो दिस इज अबाउट आर्किबैक्टीरिया। देन फोर्थ और जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिनोमाइसिटीज। ये जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं ये फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया और फंजाई के बीच का इंटरमीडिएट भी हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, फ्रेंकिया, ये जो हैं ये पूरे के पूरे जो हैं माइसीलियल बैक्टीरिया भी कहलाते हैं, इसी वजह से इनका नाम रे फंजाई भी है। देन इनकी अगर हम बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, बट इनकी जो स्टेनिंग है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग से, इनको एसिड फास्ट स्टेनिंग से स्टेन किया जाता है। इनके पास एक माइकोलिक एसिड की प्रेजेंस होती है, और ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये बड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है, ये इससे सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एंटीबायोटिक के सोर्स हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो एक्टिनोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। देन अगर हम बात करें एक्टिनोमाइसिटीज से तो इनसे मोर देन 100 एंटीबायोटिक्स ऑप्टेन होती हैं, जिसमें से हम कुछ की अगर हम बात करें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ऑप्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, एक एंटीबायोटिक है इरिथ्रोमाइसिन, ये होती है इरिथ्रो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से, नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। अगर हम बात करें नोवोबायोसिन, ये ऑप्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस निवियस से। देन जो इस तरीके से बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल जो हमने यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंकिया, तो फ्रेंकिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है सिम्बायोटिकली, और रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है नॉन लेग्यूम प्लांट्स में, जैसे कि एलिनस प्लांट में, कैजुराइना प्लांट में, तो ये नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया के जैसे बिहेव करता है, जो कि नोड्यूल फॉर्म नहीं करता है वो है फ्रेंकिया, और नाइट्रोजन फिक्स भी करता है। तो कभी कभार आपने ये भी देखा होगा एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अर्थी और मस्टी स्मेल आती है जो पहली बारिश होती है, आपने देखा होगा उस समय कुछ फ्रेशली सॉयल से कुछ स्मेल आती है, जो फर्स्ट शावर ऑफ रेन होती है उस समय,
तो यहां पर हम बात करते हैं कि ऐसा देखा गया है कि इनसे केमिकल ऑयली सिक्रीशन होता है नेक्टिनोमाइसिटिस से, जिसका नाम है जियोस्मिन, जो कि रिलीज करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज और नोकार्डिया स्पीसीज। तो वही एक्चुअल में पहली स्मेल हमारे लिए, पहली फ्रेग्रेंस देती है, जो अर्थी स्मेल आती है हमारे लिए जो रेन के समय पर। सो दिस इज अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज। सो नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होंगे प्रोटिस्ट। सो थैंक यू।